बजरंगी भाईजान की मुन्नी को मिला भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर पुरस्कार, सलमान खान को किया समर्पित। जी हां दोस्तों, वेलकम टू बीबी न्यूज। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री ने इस बात की जानकारी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट को साझा करते हुए दी है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीर को साझा किया है और इन तस्वीरों में वो अवार्ड लेती हुई नजर आ रही है। हर्षाली लिखती है कि श्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल से भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर पुरस्कार पाकर वो धन्य हो चुकी है। फोटो में वो सफेद और गुलाबी रंग का लहंगा पहने नजर आ रही है। उन्हें पुरस्कार मिलते देख उनके प्रशंसक बेहद खुश है। हर्षाली के एक प्रशंसक ने लिखा है कि बधाई हो, भगवान आपको हमेशा खुश और सफल बनाए। उन्होंने ये पुरस्कार निर्देशक कबीर खान और सलमान खान को समर्पित किया है। कबीर खान इस फिल्म के निर्देशक और सलमान खान फिल्म बजरंगी भाईजान में मुख्य अभिनेता थे। हर्षाली लिखती है कि मुझ पर विश्वास करने के लिए ये पुरस्कार सलमान खान, कबीर खान और मुकेश छाबड़ा अंकल को समर्पित करना चाहती हूँ और पूरी बजरंगी भाईजान टीम को। श्री भगत सिंह कोश्यारी की ओर से भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। बता दें कि फिल्म बजरंगी भाईजान में हर्षाली ने एक पाकिस्तानी लड़की मुन्नी की भूमिका निभाई थी जो कि भारत में खो जाती है, और पवन कुमार चतुर्वेदी का किरदार निभाने वाले सलमान खान मुन्नी की मदद करते हैं। तो दोस्तों, हर्षाली को ये पुरस्कार मिलने पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और भी ताजा खबरें और गॉसिप्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।